नूरकोट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूरकोट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कोर्ट परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 10 बजे के बाद मामन खान की पेशी हो सकती है, जिसको देखते हुए नूरकोट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नूरकोट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल देर रात मामन खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसको देखते हुए नूरकोट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोर्ट परिसर में आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के जवानों की संख्या भी यहां पर बढ़ाई गई है और माना जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे के बाद मामन खान की पेशी कभी भी हो सकती है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी जो कल देर रात हुई है मामन खान की। आपको बता दें, मामन खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस की SIT ने मामन खान को कल देर रात गिरफ्तार किया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसको देखते हुए नूरकोट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ाई गई है। आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो कोर्ट परिसर में आम लोगों की आवाजाही को रोका गया है। माना जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे के बाद मामन खान को किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो कांग्रेस विधायक मामन खान, जो कि गिरफ्तार हुए हैं नूह हिंसा मामले में, उनको आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, जिसको देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा को कड़ा किया गया है। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। और ऐसा समय दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं और दीपक गौतम जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है मामन खान की पेशी को लेकर? कितने बजे आज उनको कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, नूह हिंसा के बाद एक सबसे बड़ी गिरफ्तारी आज हुई है और देर रात ये नूह की SIT की टीम ने राजस्थान से विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया है और आज 10 बजे के बाद विधायक मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो देखना होगा कि SIT की टीम क्या कुछ अपनी दलीलें रखती है और क्या विधायक को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है या फिर गिरफ्तारी के बाद तमाम उनसे पूछताछ हो चुकी है। ये तो हालांकि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम नूह की बात करें तो नूह की सुरक्षा, पूरे शहर की सुरक्षा या फिर कहे कि पूरे जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये फिरोजपुर झिरका से विधायक है और ऐसे में लोग लगातार इनको जो है पसंद करते हैं, समर्थन देते हैं और यही कारण है कि कोर्ट में आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना केवल नूह के कोर्ट परिसर को बल्कि नूह के अलग अलग रास्तों पर भी भारी पुलिस की तैनाती की है ताकि मामन खान के समर्थक ना आ सके और किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर एहतियात के तौर पर सुरक्षा जो है वो टाइट की गई है और कोशिश भी पुलिस की यही है कि किसी तरह से, जिस तरह से मोनू मानेसर को पेश किया गया था भारी सुरक्षा के बीच, जिस तरह से बिट्टू बजरंगी को पेश किया गया था उसी तर्ज पर मामन खान को भी भारी सिक्योरिटी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ मामन खान को कोर्ट में आज 10 बजे के आसपास जो है वो नूह कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। लेकिन अगर नूह हिंसा के बाद की हम बात करें तो तीसरी बड़ी और अहम ये गिरफ्तारी है, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी। अगर मानेसर से बात करें तो मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था और अब ऐसे में कांग्रेसी विधायक जो कि मौजूदा विधायक फिरोजपुर झिरका से है उनको नूह की SIT की टीम ने गिरफ्तार किया है। और लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार, नूह प्रशासन और तमाम हरियाणा के गृह मंत्रियों की तरफ से इस तरह के बयान दिए थे कि नूह हिंसा के बाद लगातार जो भी इस पूरे मामले में दोषी है, चाहे वो किसी भी दल का हो और किसी भी संगठन से जुड़ा हो, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में अब तक 316 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब काफी अहम और सबसे बड़ी गिरफ्तारी मामन खान। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे नीरज। दीपक गौतम का हम रुख करेंगे। दीपक, कितनी बड़ी गिरफ्तारी इसको माना जाए, कैसे देखा जाए मामन खान की इस गिरफ्तारी को?
देखिए, जब बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई थी तभी से यह तय हो गया था कि अगला नंबर अब मामन खान का आने वाला है, क्योंकि लगातार चाहे विधानसभा की बात हो चाहे बाहर की बात हो, तमाम तरह के स्टेटमेंट इस तरीके के सामने आ रहे थे कि इस पूरे मामले में उकसाने में, एक वर्ग विशेष को उकसाने में मामन खान की बड़ी भूमिका रही। और यही वजह थी कि मामन खान भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे थे कि वो जब भी SIT के सामने पेश होंगे इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसीलिए पहले पहुँचे वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कहा कि मुझे राजनीतिक कारणों के चलते फंसाया जा सकता है, इसलिए अग्रिम जमानत मांगी, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो मामन खान है, मामन खान के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने इस बात को कबूला है कि ये जो मामला है पूरा का पूरा 31 तारीख को जो नूह में हुआ, इस मामले में मामन खान की बड़ी भूमिका है। जब अदालत में सरकार की तरफ से कहा गया तो इसके बाद किसी भी तरह की राहत देने से हरियाणा हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, और तब ये तय हो गया था कि इस मामले में अब किसी भी दिन गिरफ्तारी हो सकती है। और बिल्कुल वही हुआ, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है मामन खान को। आप ये देखें कि पूरी तरह से तैयारी की गई बात की कि किसी भी तरीके का मौका ये ना मिले मामन खान को कहने के लिए कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसीलिए आप ये देखेंगे कि लगातार SIT की तरफ से दो बार नोटिस जारी किए गए उन्हें। पहली बार जब नोटिस जारी किया गया तब मामन खान की तरफ से कहा गया कि वो बीमार हैं इसलिए नहीं आ सकते हैं। दूसरी बार फिर नोटिस जारी किया गया, दूसरी बार भी वो नहीं पहुंचे, और इसके बाद वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। लेकिन जब कहीं से राहत नहीं मिली तो ये तय हो चुका था कि अब मामन खान की गिरफ्तारी होनी है। मामन खान को फिलहाल पुलिस ने स्थान से गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं आज क्या होने वाला है। आज पुलिस की कोशिश पूरी तरह से, चूंकि गिरफ्तारी कर ली गई है तो एक कानूनी प्रोसीजर है, और वो कानूनी प्रोसीजर ये है कि अदालत में पेश करना होगा, तो अदालत में पेश करने की प्रक्रिया होगी। और ये पूरी तरह से तय बता रहे हैं हमारे जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा, और रिमांड पर लेकर तमाम वो चीज़ें खंगालने की कोशिश होगी, तमाम वो एंगल खंगालने की कोशिश होगी जिसके चलते नूह हिंसा बढ़की। जो लोग गिरफ्तार किए गए, जो जिन लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मामन खान के समर्थक थे, मामन खान इनके संपर्क में थे, तो मामन खान से उनका किस तरीके से संबंध तय होगा, किस तरीके से मामन खान की इस पूरे मामले में भूमिका है, इस पर बहुत बड़ी तरह से कोशिश पुलिस की ये रहेगी कि उसमें संबंध स्थापित हो जाए। क्योंकि आज ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि मामन खान है कौन। मामन खान है कांग्रेस के विधायक। अभी सरकार कौन सी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जदपा की संयुक्त गठबंधन की सरकार। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अब जो बयान आने शुरू होंगे, जो की जानी चाहिए वो ये है कि अब बयान आने शुरू होंगे कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस बात को सरकार भी समझती है और पुलिस भी समझती है, इसीलिए कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं है। पूरी तरह से तैयारी इस बात की जाएगी कि अभी तक जो सबूत मिले हैं, अभी तक की जो बातें सामने आई हैं, तो उन सारी बातों को कोर्ट में पूरी तरह से प्रूफ किया जा सके। क्योंकि ये दलील भी होगी दीपक की, गिरफ्तारी तो बिट्टू बजरंगी की भी हुई है, गिरफ्तारी तो मोनू मानेसर की भी हुई है, जिनका दूसरे पक्ष से एसोसिएशन लगातार बताया जाता रहा है, तो ऐसे में मामन खान कोई अपवाद नहीं हो सकते। चलेंगे नीरज अम्बावता के पास। नीरज, मुझे ये बताइए, क्या इस गिरफ्तारी से मामन खान बच सकते थे? जिस तरह से उनका आचरण रहा, लगातार वो गायब रहे इस नूह हिंसा के बाद, कहीं वो नजर नहीं आए, और फिर जिस तरह से दो बार उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए, वो नहीं गए, तो अगर वो कोऑपरेट करते, सहयोग करते पूछताछ में, तो क्या हो सकता है कि अभी इतनी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती, थोड़ा जांच और आगे बढ़ती, उसके बाद फिर जो भी जांच में पाया जाता तब देखा जाता क्या होता? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नूह प्रशासन की बात करें, SIT की बात करें, और जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा था कि 28, 29 और 30 जुलाई को जहां जहां विधायक मामन खान गए थे वहां वहां हिंसा हुई थी, और जिस तरह से 316 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए, और उनकी जो बयानबाजी थी, जो उन्होंने बयान पुलिस को दिए, उसमें ये SIT की टीम को लगा कि इन तमाम लोगों के पीछे मामन खान का हाथ हो सकता है। जैसा कि पुलिस ने और सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि मोहम्मद तौफीक नाम का एक जो शख्स था, उसने बताया कि वो लगातार विधायक के संपर्क में था और फोन के जरिए लगातार उसकी 31 जुलाई को भी बात हुई थी, और जब ये पूरी हिंसा हुई थी तो विधायक मामन खान, हालांकि कहने को तो ये गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन नूह में थे, तो अंदेशा यही
यही था, सबूत यही थे कि SIT के पास कई अहम सबूत हाथ लगे थे और उन्हीं सबूतों के आधार पर 2 बार विधायक को नोटिस दिया गया था। हालांकि विधायक को डर था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए वो हाईकोर्ट भी पहुंचे थे अपनी गिरफ्तारी की रोक लगवाने के लिए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली और लगातार अगर ये SIT की टीम के साथ कॉर्पोरेट करते या फिर उनको जो है सहयोग इस जांच में करते तो भी विधायक को डर था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि ये गिरफ्तारी काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाती है कि तमाम वो लोग जिन जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे, चाहे उसमें बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो और अब जो है विधायक हो, तो तमाम लोगों से एक एक सवाल पूछने की कोशिश SIT की टीम की है और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन पहले ही साफ कर चुके थे कि नुहू इंसा में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब जब नुहू इंसा पूरी तरह से ठंडी हुई और हालात जब सामान्य हुए, जब तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ से हटाई गई, धारा 144 हटाई गई, कर्फ्यू वहाँ से हटाया गया और इंटरनेट को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया गया, उसके बाद दौर होता है बड़ी गिरफ्तारियों का शुरू। और इन बड़ी गिरफ्तारियों में एक काफ़ी बड़ी अहम गिरफ्तारी आज जो है वो विधायक मामन खान की हुई है और अब आज मामन खान को पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ के लिए उनको हो सकता है कि रिमांड पर लिया जाए, लेकिन जब अदालत में पुलिस पहुंचती है तमाम कागजों को लेकर तो क्या कुछ जो है अदालत के सामने पुलिस की दलील रहने वाली है। साथ ही साथ मामन खान के विधायक किस तरह से उनका जो है पलटवार करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस जो है अदालत की तरफ से मामन खान को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेकर तमाम जो अब तक की गिरफ्तारी हुई उन गिरफ्तारी के साथ क्या क्या संबंध विधायक मामन खान के रहे और 31 जुलाई से लेकर 28 जुलाई से लेकर 31 तक किस बीच वो कहां कहां गए, किन किन लोगों से संपर्क किया और जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उनके कितने संपर्क में आने वाले लोग फिलहाल जेल है, कितने लोगों पर नुहू इंसा को भड़काने का आरोप है, तो तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए SIT की टीम आज जो है विधायक को रिमांड पे लेगी और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगी। ठीक है नीरज, हम रुक करेंगे अनिल मोहनिया का, हमारे नू संवाददाता इस वक्त नू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, यानी कि मामन खान की फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में होगी, इससे ये माना जाए होगी, तो कितने बजे तक मामन खान की पेशी हो सकती है? जी बिल्कुल, देख सकते हैं जिस तरीके से नुहू कोर्ट की हम बात करें, नुहू कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जारी। इसके अलावा हम अभी की बात करें, यहाँ होटल चौक है, होटल चौक पर भी भारी पुलिस बल लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस बल है वहाँ पर लगाया गया है, इसी तरीके से नुहू कोर्ट में भी भारी पुलिस बल लगाया गया। इसके साथ जाहिर होता है कि नुहू कोर्ट में ही मामन खान की ओर आज पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि उन्हें कितने बजे पेश किया जाए। अब हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 12 बजे के करीब नुहू कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी यह सोचने वाली बात, देखने वाली बात है कि कितना समय और लगता है या किस तरीके से नुहू कोर्ट में पेश किया जाए। अनिल, मामन खान अभी कहाँ पर है और रात भर उनको कहाँ रखा गया? जी, रात भर की बात करें, जिस तरीके से कल देर रात की बात करें मामन खान को बताया, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मामन खान को राजस्थान के जयपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अभी यह क्लियर नहीं हो पाया कि मामन खान को कहां पर रखा गया है। यह सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है कि कितने बजे यहाँ नुहू कोर्ट के नुहू कोर्ट में पेश किया जाएगा, यही क्लियर हो पाएगा कि इन्हें पूरी रात भर किस जगह पर रखा गया।